सर ये इज देयर एनी अंडरलाइंग आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी? फॉर एग्जांपल जैसे आपने मुकर्नस की सूरत में बताया कि यू नो द ब्रिक्स एंड ऑल द मेंबर्स दे पॉइंट टुवर्ड्स अ सर्टेन सेंटर, और वो सेंटर ही की तरफ अपना अपनी डायरेक्शन काम उस सेंटर की तरफ अपना काम करते नजर आते हैं. बिकॉज एक नकाश हैं, आप ही के साथ काम करते हैं. तो वंस आई वॉज डिस्कसिंग इट विथ हिम, तो ही सेड दैट देयर इज एन अंडरलाइंग आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी इन्वॉल्व इन इवन फ्रेस्कोज एंड एवरीथिंग दैट हेल्प्स मी अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ यू नो द रिब डोम्स एंड द आर्चेस एंड दैट सॉर्ट ऑफ द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कालिबकारी एंड 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 कंस्ट्रक्टिंग अ रिब डोम. आपने जैसे मैनिफेस्ट भी करा, लेकिन वो शायद मैं वो कहते हैं ना, एक एक प्रिंसिपल, एक कुलिया, कोई ऐसा अगर जो आप मेरी बात से समझ पाए कि इसमें इज देर अ सर्टेन पंच लाइन दैट इज यू नो सराउंडेड सराउंडेड अराउंड द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी दैट इज इन्वॉल्व व्हाइल यू कंस्ट्रक्ट और व्हाइल यू मेक दीज ड्रॉइंग्स. ये थोड़ा सा बताएं रमीज, व्हेन यू से डिविजिबिलिटी तो एक तो कंक्रीट उसकी मीनिंग है ऑफ डिवाइडिंग समथिंग इनटू पार्ट्स, और देयर इज अनदर मोर एब्स्ट्रैक्ट सेंस इन विच द वर्ड डिविजिबिलिटी के इन अ मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक सेंस द होल एंड द पार्ट्स. आप किस सेंस में बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी का? I think more in the geometrical sense. हाँ, तो ज्योमेट्री में इसको हम कहते हैं हिस्सा बखरा. तो जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमारे रिवायात में एब्सोल्यूट मेजर इज नॉट यूज्ड. इवन इफ देर इज अ मॉड्यूल, वो मॉड्यूल जो है वो लोकली डिटरमिन होता है, या तो लोकल अवेलेबल साइज ऑफ स्टोन, या जैसे मैंने मिसाल दी थी द हैंड ऑफ द क्लाइंट फॉर्म्स द बेसिक यूनिट फॉर प्रोपोर्शनिंग. तो ये यानी जो इसका इंक्रीमेंटल या एक मॉड्यूलर, ये भी प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट और एटलीस्ट द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट इज द आइडिया ऑफ द होल विच इज देन डिवाइडेड इंटू पार्ट्स. और ये डिविजन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट. तो देन देर इज एज तैमूर, आई डोंट नो इफ यू हर्ड फ्रॉम हिम हिज एक्सप्लेनेशन इन टू दीज नंबर्स इन प्रोपोर्शंस. तो उसमें देर इज अ पॉइंट वेयर द मॉड्यूलर एंड द प्रोपोर्शनेट एक्चुअली दे आर ओवर इंटर, आई मीन दे कम टूगेदर. सर्टन मॉड्यूल्स, सर्टन नंबर्स, फिर वो उनके एब्सोल्यूट उसमें न्यूमेरिकल्स में भी आ जाते हैं. सो दिस इज दीज आर ऑल एट द सेम टाइम वेरी प्रैक्टिकल, बट दे ऑल्सो हैव वेरी प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल मीनिंग्स. हिस्सा बखरा, प्रोपोर्शनेट सब डिविजन ऑलवेज बिगिन्स फ्रॉम द होल. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेफ्ट ओवर अनकंफर्टेबल स्पेसेस आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द होल. और दूसरी एक बहुत ही अहम प्रिंसिपल, इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रिंसिपल्स,
a principle of odd and even. Traditional जो division होगी उसमें there is always an odd number, either one or three or five or seven and so on. ये इसका क्या sense है?